मेडिटेशन सच अ बिग वर्ड, कितना मुश्किल होगा करना और मुझे इसकी जरूरत भी क्या है। इनिशियली मुझे भी ऐसा ही लगता था। नमस्कार, मैं हूँ आरुषि, एफसेक टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेडिटेशन को एक बिगिनर लेवल पर कैसे स्टार्ट किया जा सकता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि बिगिनर्स को कुछ टिप्स दीजिए मेडिटेशन को लेकर। ऑल्दो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, लेकिन जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है वो रियल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू फाइंड आउट द पर्पस बिहाइंड योर मेडिटेशन। आपको क्यों स्टार्ट करना है ये पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रार्थना के पर्पस से मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आपको जाना चाहिए मंत्र मेडिटेशन की ओर। मंत्र, जैसा कि अर्थ हम जानते हैं, मन प्लस यंत्र, यानी मन के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है, मन को रेगुलेट करने की पावर होती है मंत्र में। तो आप मंत्र मेडिटेशन कोई भी मंत्र यूज करके कर सकते हैं। आपको सिंपली कोई मंत्र चैंट करना है या कोई मंत्र सुनना है और अपना पूरा ध्यान उस मंत्र पर केंद्रित करना है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि हमारा ध्यान मंत्र बोलते हुए भी भटकता है। इसके लिए मेरी तरफ से एक सजेशन है कि आप मंत्र का पहले मीनिंग फाइंड आउट कीजिए और फिर उस मंत्र को बोलिए, तो आपका ध्यान भटकने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान रहेगा मंत्र के मीनिंग पर। ये प्रार्थना के साथ साथ मेडिटेशन की तरह भी आपके लिए वर्क करेगा। हालांकि कुछ मंत्रों पर और ओम मेडिटेशन पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, जो कि आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएंगी। तो ये तो बात हुई मंत्र मेडिटेशन की। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कुछ मेरी तरह हैं और कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करने के लिए मेडिटेशन ट्राई करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बेस्ट है गाइडेड मेडिटेशन। इसमें क्या होता है कि आप अकेले मेडिटेशन ना परफॉर्म करके किसी इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस के अंडर मेडिटेशन परफॉर्म करते हैं। वो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको किस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करना है और आप वैसा ही परफॉर्म करते जाते हैं। बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट काइंड ऑफ मेडिटेशन है, क्योंकि इसमें हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं भटकता, क्योंकि हमारा ध्यान तो केंद्रित होता है इंस्ट्रक्टर की बातों पे, वो किस तरह से कह रहे हैं। आपको ये फील करना है कि आपके सामने एक लाइट एनर्जी प्रेजेंट है, आपको शांत दिमाग रखना है, स्ट्रेस के बारे में नहीं सोचना है, इस चीज पर फोकस करना है और इस चीज पर नहीं। तो इसमें आपको इंस्ट्रक्टर कंप्लीटली गाइड करता है आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो ये बिगिनर के लिए बेस्ट काइंड ऑफ मेडिटेशन है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं और मेरी मानिए तो काफी लोगों की गाइडेड मेडिटेशन ट्राई कीजिए और फिर जो आपके लिए बेस्ट वर्क करे आप उसकी तरफ जाइए। तो ये बात हुई गाइडेड मेडिटेशन की। अब बात करते हैं थर्ड काइंड ऑफ मेडिटेशन, जो कि सबसे टिपिकल है, जिसमें हम खुद मेडिटेशन करते हैं बिना किसी मंत्रोच्चारण के, बिना किसी इंस्ट्रक्टर के। इसमें हमें क्या करना है, हम शांत दिमाग से बैठते हैं और अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, किस तरह के विचार हमारे माइंड में आ रहे हैं, लेकिन उन विचारों में हम इन्वॉल्व नहीं होते। हम सिर्फ उनको आते और जाते फील करते हैं, लेकिन उसे रुकने नहीं देते, किसी एक विचार पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। इस मेडिटेशन को करने में हमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एक्सपीरियंस लगता है, लेकिन धीरे धीरे, इनिशियली आप 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए करेंगे, धीरे धीरे आपकी टाइम लिमिट इंक्रीज होती चली जाएगी। इस तरह की मेडिटेशन का पर्पस है सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने बारे में ज़्यादा जान पाते हैं कि आप खुद से क्या बातें करते हैं, किस तरह के विचार, किस तरह के सेल्फ टॉक आपके माइंड में चल रहा है, ये आपको ज़्यादा अवेयर बनाता है। तो ये तो थी तीनों टाइप की मेडिटेशंस। अब हम देखते हैं किस तरह से परफॉर्म करना है, कब करना है। ईश्वर द्वारा हमारे लिए खुद ही ऐसा टाइम सेट किया गया है जो प्रार्थना या ध्यान या मेडिटेशन के लिए बेस्ट है। ये टाइम है जब ना तो बहुत ज़्यादा रोशनी हो और ना ही बहुत ज़्यादा अंधेरा हो। अर्ली मॉर्निंग हम ये देख सकते हैं या फिर हम शाम को इसको परफॉर्म कर सकते हैं। मैं अर्ली मॉर्निंग परफॉर्म करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में एनवायरनमेंट में सात्विक वाइब्स ज़्यादा होती हैं, तो उस समय प्रार्थना या मेडिटेशन करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं मैंने ये किस तरह से स्टार्ट किया था। इनिशियली मैंने वीडियोस देखे, काफ़ी कंटेंट रीड किया और इसे ट्राई करने का सोचा।
जिसमें मुझसे एक मिस्टेक हुई। सभी लोगों ने ये इंस्ट्रक्ट किया था कि आपको मॉर्निंग में उठने के बाद तुरंत मेडिटेशन ट्राई करना है, लेकिन जब मैंने नहाने के बाद इसे ट्राई करने का सोचा तो उसके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे थे। नहाने के बाद हमारा माइंड ज्यादा अवेयर होता है, तो ये बेस्ट टाइम होता है प्रार्थना या ध्यान के लिए। तो मेरी सलाह ये है कि आप सुबह उठते ही ट्राई करने के बजाय नहाने के बाद कम्प्लीटली कॉन्शियस होके ये ट्राई कीजिए। अब बात करते हैं मेडिटेशन ट्राई करने के बाद मुझे क्या क्या बेनिफिट्स फील हुए। सबसे पहला बेनिफिट और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप मेडिटेशन के साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। जैसे अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है तो जब आप मेडिटेशन ट्राई करेंगे कुछ दिन के लिए तो आप ये फील करेंगे कि हाँ मुझे अब इस बात पर गुस्सा आ रहा है और मुझे ये रिएक्शन देना चाहिए जिसके बदले मैं ये रिएक्शन दे रहा हूँ। आप सेल्फ अवेयर होते चले जाते हैं और आप अपने एक्शंस पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। सेकेंड थिंग, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो कैसे? जब आप खुद के लिए कुछ करते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आपके माइंड में होती है कि हाँ आज मैंने अपने लिए कुछ ट्राई किया, और ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। तीसरी चीज, जब आप रेगुलरली मेडिटेशन ट्राई करते हैं तो आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बड़ा हो जाता है। आप एक बिगर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने लगते हैं। आप ये समझ जाते हैं कि जो ये डेली लाइफ जिसमें हम इन्वॉल्व हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य यही नहीं है। हम यहाँ हैं कुछ बड़ा करने के लिए, हम यहाँ हैं एक पर्पस से, तो हम उसको जान पाते हैं और उसके करीब जाते हैं। मुझे ज़्यादातर बेस्ट आइडियाज़ मेडिटेशन परफॉर्म करते वक्त ही आते हैं। जैसे वीडियोस के लिए कोई कंटेंट हुआ या कोई और आइडियाज़ हुए, मेरे जॉब रिलेटेड कुछ चीज़ें हुई, वो मुझे उसी टाइम ज़्यादा क्लिक करती हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप अपनी ओर ध्यान देने लगते हैं, ज़्यादा सेल्फ अवेयर होने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ की क्वालिटी तो अपने आप ही इम्प्रूव होती चली जाती है। नेक्स्ट थिंग, जब आप मेडिटेशन ट्राई करते हैं तो आप सब चीज़ों को भूलकर उस मोमेंट को जीते हैं। आप उस मोमेंट में कम्प्लीटली प्रेजेंट होते हैं। आप किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे, कम्प्लीट ध्यान दे रहे हैं उसी जगह पर। तो जब डे फिनिश होता है तो आपको एक फुलफिलमेंट फील होती है कि हाँ ये आज का एक कम्प्लीट दिन ख़त्म हुआ। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे दिन चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि इतने दिन बीत गए। लेकिन जब आप डेली मेडिटेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें एक एक दिन का अलग अनुभव होता है। मेरा तो ये मानना है कि जिस तरह से हमारे बॉडी को फूड की ज़रूरत है, उसी तरह से हमारे माइंड को भी मेडिटेशन की ज़रूरत है। हालांकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, लेकिन ये मेरे कुछ रियल एक्सपीरियंस थे और ये मेरा कुछ ज्ञान था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।